हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में रिएक्ट कर रहा हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो पर। एंड 46 की एज में शोएब अख्तर को बॉलिंग करते देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि उनकी बॉलिंग का, उनकी स्पीड का हर कोई फैन है, मैं भी हूं। मैं देखेंगे हम लेजेंड्स क्रिकेट लीग जो हुई है, मतलब लेजेंड्स जो रिटायर्ड हो चुके हैं क्रिकेट से। इंडिया महाराजाज वर्सेस एशिया लॉयंस का मैच था कल पहला, उसमें शोएब अख्तर की बॉलिंग देखेंगे। पूरी हाईलाइट या फिर पूरा मैच नहीं देखने वाले हैं, शोएब अख्तर की बॉलिंग पर नज़र डालने वाला हूं मैं इसमें। चलिए मिलकर एंजॉय करते हैं इस वीडियो को, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। विकेट भी लिया शोएब अख्तर ने, स्पीड दिखाई नहीं दे रही मुझे इसमें। स्पीड मास्टर की स्पीड कहाँ गई दिखाओ, बहुत तेज नहीं डाल पाएंगे। हाँ पर है भाई, हाँ पर है। और ये शॉट हालांकि मैच हार गई थी पाकिस्तान, पाकिस्तान की नहीं मतलब एशियन जो टीम थी इनकी, इंडियन टीम जीत गई थी। ओके 120 किलोमीटर पर आ, मोहम्मद कैफ का बैट टूटा था। ओके बाउंसर भी यूज़ कर रहे हैं अभी, कौन है लेडी एम्पायर, ये भी कोई लेजेंड होगी। शोएब अख्तर ओल्ड बट वही पुराना एक्शन, डरावना एक्शन। मिस, अभी भी खौफ है इनका। अरे वाह, ये चीज देखने में मजा आता है, यारी दोस्ती। ओह वंस अगेन, वो He's still a legend. But the batting side has done well and they are going well, Demons. Misbah. Shahid Afridi bhi hai isme match mein. Legends. They are legend. Wow, bouncer. Smart piece of bowling. Always asking questions, never is going to be a time when a batter would feel comfortable in front of Shoaib Akhtar. Uncomfortable. Well, there you go, there it was. Rolling back the years, Shoaib Akhtar. Shoaib Akhtar ne shayad, mujhe yaad hai, inka bat toota tha Shoaib Akhtar ki ball pe. Mohammad Kaif. He says, have a sniff of that. Thode se nervous. Oh. That bounce, he just forces स्लोअर। अब उतनी स्पीड तो नहीं डाल पाएंगे, फेंक दी यार इन्होंने अपने करियर में, बहुत तेज फेंकी है। And undoubtedly the time the two guys really dominating thing proceeding so far, and there'll be yet Yusuf Pathan up against Yusuf Pathan lineup versus Shoaib Akhtar. As Pathan plays a bit of a forehand smash, correct, kya dala hai, bahut slow thi, a real slow ball there by Shoaib Akhtar, real slow. Interesting. Mohammad Kaif just walks Shoaib Akhtar back towards his bowling mark after he sees Yusuf Pathan try to smash that ball down the ground.
मजा ले रहे हैं पुराने दिनों को याद करके। इंटरेस्टिंग टू हैव अ लिटिल माइक्रोफोन इन द ड्रेसिंग रूम आफ्टर द गेम गेट्स ओवर जस्ट टू अंडरस्टैंड हु गेट्स बैक एट द अदर। वाज दैट अ स्लो बॉल? डिड आई नॉट स्मैश इट ऑन द ग्राउंड? हो This time a fresh delivery outside the off stump drags it towards the leg side as Stuart Binney gets the elevation. This is the end of Stuart Binney. Short ball again. Maybe rushed him a little bit. It's a good catch by Upa Taranga. Upa Taranga, Sri Lankan player. Definitely in the reckoning for how's that legend of the match catch in his half century. तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था शोएब अख्तर को 46 की एज में बॉलिंग करते देखना, दोबारा से लेजेंड को बॉलिंग करते देखना। लेजेंड्स के लिए मतलब बॉलिंग कर रहे हैं वो, लेजेंड्स हैं सामने खेलने वाले भी सब लोग, इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, एशियन और इंडिया महाराजाज कर एक टीम बनाई गई है, इंडियन टीम वर्सेस एशियन लॉयंस करके मैच था। तो जीती थी इंडिया महाराजाज, लेकिन मुझे बॉलिंग देखनी थी शोएब अख्तर की स्पेशली, तो वो मैंने देखी इसमें। बड़ा ही कमाल का एक्सपीरियंस था। आई होप कि आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा देखने में, क्योंकि वो लेजेंड जिसने सबसे दुनिया की तेज़ बॉल फेंकी है उसको हमने स्क्रीन पर एक बार फिर से इस एज में देखा और इंजॉय किया। रियली यार मैंने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि यार शोएब अख्तर उस लेवल की स्पीड अब फेंक नहीं सकते, ये सब लोग जानते हैं, सबको पता है 120-30 की स्पीड फेंक रहे थे, बाउंसर भी मार रहे थे उसमें। लेकिन वो जो मोहम्मद कैफ के चेहरे पर दिख रहा था, मुझे शायद याद है, शायद बोल रहा हूँ मैं, कि मोहम्मद कैफ का बैट जो टूटा था आई थिंक शोएब अख्तर की बॉल पर ही टूटा था, टूट चुका है इनका बैट एक बार, शायद वो शोएब अख्तर ही थे, कंफर्म कर बताना, मुझे अभी क्लियर नहीं है मेरे माइंड में, लेकिन मैंने देखा है कि बैट टूटा है, आई थिंक वो शोएब अख्तर से टूटा था उनकी बॉल पर। ले इस वीडियो में देखकर मज़ा आया, विकेट भी लिया उन्होंने इनकी बॉल को खेलते हुए। आज भी लोगों में वो माइंड में रहता होगा, यार इस बंदे ने दुनिया की सबसे तेज़ बॉल फेंकी है वो हमारे सामने, अगर इसमें मतलब इस एज का लिहाज ना किया और वो कोशिश कर दी तेज़ बॉल फेंकने की, तो फूट भी सकते हैं हम, कहीं भी लग सकती है। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था, लेजेंडरी बॉलिंग देखकर हमें मज़ा आया इसमें। बहुत सारे लेजेंड्स थे इसमें, इंडियन, पाकिस्तानी, एशियन, सारे लेजेंड्स खेल रहे हैं इसमें, तो बहुत ही सही एक लीग बनाई गई है ये। कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कैसा लगा ये वीडियो, मैं आपको भी अच्छा लगा होगा ये वीडियो देखकर, तो लाइक करके शेयर कर देना, ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।